बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी फ़ैमिली के पास मौजूद हूँ जिसमें ये आपको यंग नौजवान नज़र आ रहा है, जिसका नाम मोहम्मद आमिर है। और ये शख्स एक बच्ची का बाप है, शादीशुदा है और अपने वालदैन का अकलौता बेटा है। ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये इनके पेरेंट्स हैं। ये इनका बुज़ुर्ग वालिद बैठा है और ये इनकी वालिदा है। और वालिदा भी दिल की मरीज़ है, हार्ट पेशेंट है। इस बच्चे को डायबिटीज़ का मर्ज़ है, शुगर की बीमारी है, जिसकी वजह से इनका कोई पता नहीं पहले कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ मसला हुआ, ये बात इनसे पूछते हैं। इसके बाद इनके एक लेग को काटना पड़ा और दूसरी जो टांग है उसका भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो इनके पास एक आर्टिफिशियल लेग है जो टूट फूट का शिकार है, वो भी नहीं बनवा पाए। तो अभी इस फैमिली से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑलरेडी इस फैमिली के लिए बिजनेस का अरेंज हो चुका है। एक जो मोटर बाइक होती है, ट्राई साइकिल वाली, जो पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है, उसका भी इंतज़ाम हो चुका है। और इसका इंतज़ाम मेरी प्यारी वालिदा जो कनाडा से हैं, अल्लाह तबारक व ताला आपको बहुत रिवार्ड अता करे कि आपने इसकी तकलीफ़ को, इस फैमिली की तकलीफ़ को समझते हुए इनके लिए हेल्प का इंतज़ाम किया है। जल्द ही इनके लिए कारोबार का इंतज़ाम हो जाएगा इंशाल्लाह और आप सबके सामने होगा। और दूसरा, मेरा यहाँ आप लोगों से भी अपील है, हम इस वीडियो के अंदर इस फैमिली का अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे। इस फैमिली को मेडिसिन की ज़रूरत है, रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन की ज़रूरत है। अकलौता बेटा है, वालिद बुज़ुर्ग है, कमा नहीं सकता। इस भाई की जो वाइफ है वो लोगों के खेतों में काम करके अपने घर को चला रही हैं। तो इंशाल्लाह कुछ बात करते हैं। मेरी इस वीडियो में आप सबसे अपील ये होगी कि काइंडली आप इनके लिए जो भी डोनेशंस भेजना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर इस भाई का अकाउंट नंबर मेंशन होगा। आप इनके अकाउंट नंबर में ट्रांजैक्शंस करके अपने सदकात, अतियात, जो भी भेजना चाहें इस भाई की मेडिसिन के लिए, इसको खर्च भेजना चाहें, आप ज़रूर कीजिएगा। जो मेरी वालिदा ने जो इंतज़ाम किया इनका कारोबार के लिए और इसकी मोटर बाइक के लिए, वो इनके लिए एक बेसिक हेल्प है, जिसको आने जाने के लिए इनके लिए कन्वेंस हो जाएगी और एक जो छोटी सी शॉप होगी, ताकि ये भाई या इनके वालिद साहब बैठ के अपना कारोबार कर सकें, ताकि अपनी फैमिली की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। लेकिन इसके बावजूद इनको मज़ीद हेल्प की भी ज़रूरत है। वो ये है कि इनकी मेडिसिन रेगुलर बेस पे चल रही है और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आपको पता है कि उनको इंसुलिन भी लगती है, इस भाई को भी इंसुलिन लगाई जा रही है और दूसरी भी मेडिसिन है, तो जो काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन है, तकरीबन हर दो दिन बाद इनको 6,000 रुपये अरेंज करने पड़ते हैं, लेकिन इस हालत में इनके पास वो भी पैसे नहीं हैं। तो इंशाल्लाह बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इंशाल्लाह इस भाई की ज़रूर हेल्प करेंगे। ये इंतहाई नीडी फैमिली है, इसके घर के हालात ऐसे हैं कि इनके पास एक वाशरूम तक नहीं है। इस भाई को बिठाने के लिए इनके पास एक चेयर है जिसको उन्होंने वो बनाया हुआ है वुड की, उसके ऊपर ये बैठ कर भाई अपने वाशरूम का जो निज़ाम है वो पूरा कर रहे हैं। तो इनके पास वाशरूम भी नहीं है। कोई अल्लाह का बंदा इसके लिए वाशरूम की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहे वो भी करवा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अल्लाह की रज़ा की खातिर, इस बुज़ुर्ग वालिद की खातिर, या इस भाई के लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे। तो हम इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करते हैं इस वालिद साहब से, जो भाई इसके वालिद बैठे हैं। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हामिद। हामिद जी हाँ। अच्छा हामिद साहब, ये आपके बेटे हैं? जी हाँ। क्या नाम है इसका? इसका मोहम्मद आमिर। आमिर जी। तो आपके कितने बच्चे हैं? यो एक बच्चा है। एक ही बेटा? एक बेटा। क्या करता था, इसको क्या हुआ? ये 14 तक पढ़ता था कोई। अच्छा। तो कुछ होगा थे ये। ठीक है। ये 8वीं क्लास पढ़ता पिया। अच्छा। वाला था इन पीछे लगे हैं इलाज करा। अच्छा। बहुत इलाज किते, मैं देवर बेचन, लंगर बेचन, मैं सी दरख्त बेचन, तय मैं को पेन मंग इलाज कीतन, मैं सी आराम नहीं थिया। अच्छा। बलोचिस्तान चो दवाई मंगाइए, वडे वडे जरे हान मक्ता दे जरा उन्हें को दवाई की दिए, आराम नहीं थिया। अच्छा। इंसुलिन जारी कीती है मुल्तान दा डॉक्टर है मोहम्मद शाह गिलानी। अच्छा। असा ओ लवेंदे रह गया है, मेरे वाल इंदा पैर पक पे। अच्छा। वाल मैं इंदा पिछो बहु रुलिया लिया गया मुल्तान गया, उन्हें आके इन्हें दी लत कटे ने आए। अच्छा। मैं उतो लत नहीं कटानी थी। अच्छा। मैं अपने देवर बेचन, डंगर बेचन, मैं के मैं इंदा इलाज करे था। एक बच्चा है मेरा, मेरा बिया तो कोई नहीं सारा। वाल ऊ तो बाद डॉक्टर है के कोई ना इंदा पैर कटना पोसी, कल को इंदी लत कटे थे यकी लइया दा डॉक्टर। अच्छा। मैं बाबा जी तुसा इंदा पैर कटाओ, बैठा रहा सी
खड़े थे रोटी खाती बैठा जल लत यकी कटी गए वाल कई कारे मसले। अच्छा बाबा जी फिर इसकी टांग कट गई। इसकी टांग कटी। अच्छा ये आपका वाहिद सहारा है जो आपका बिल्कुल, बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बाबा जी ये बात बताएं कि अब हम इस बच्चे के लिए जो इंतजाम कर रहे हैं जो शॉप है दुकान है वो लगा रहे हैं जी इस भाई को मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हैं तो आमिर भाई आप मोटरसाइकिल पे जो है मोटरसाइकिल चला लेंगे जी। आप मोटरसाइकिल चला लेंगे अगर आपको मोटरसाइकिल तीन पहियों वाली मिल जाए जी चला और आपको अगर कारोबार करके दे दिया जाए तो आप उस कारोबार को भी संभाल लेंगे जी इंशाल्लाह संभाल लूंगा। अच्छा तो प्यारे नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस फैमिली की स्टोरी थी जो हालात थे आपके साथ शेयर किए गए हैं इस बाबा जी का कहना है कि जो इनके पास था इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इनके पास कुछ गोल्ड के जेवर थे बच्ची के वो भी बेच डाले और इस बच्चे पे लगा दिए। इनके पास कुछ जानवर थे वो भी बेच कर इस फैमिली ने इस बच्चे पर लगा दिए क्योंकि अकलौता बेटा था और वालिद की कोशिश थी कि मेरे बेटे की टांग ना काटनी पड़े। इन्होंने मेडिसिन पे रखा लेकिन एट दी एंड डॉक्टर्स ने ये बात की कि इसकी लेग को काटना पड़ेगा अदरवाइज आगे और फैलती जाएगी जो इनकी बीमारी है तो इसलिए इसकी लेग को काट दिया गया और इसके बाद दूसरा पांव भी वो जैसे ज़ख्म बनना शुरू हो गए हैं लेकिन ये मेडिसिन इसको मेडिसिन की ज़रूरत है इस फैमिली को। इनको एक वॉशरूम की ज़रूरत है जिसमें कमआउट लगा हुआ हो और ये आसानी के साथ बैठ सके क्योंकि सिर्फ एक लकड़ी की चेयर है जो इनके पास जिसके ऊपर ये बैठ के वॉशरूम करते हैं। तो इस भाई का ये कहना है कि इसको कारोबार तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंतज़ाम हो चुका और इनके लिए एक मोटरसाइकिल का भी इंतज़ाम हो जाएगा या तो इनको ट्राई मोटरसाइकिल दी जाएगी और इनकी ये लेग पूरी बनवा के दी जाएगी। आर्टिफिशियल लेग जो है वो इनकी ख़राब हो चुकी है पहले इन्होंने बनवाई है तो वो इनको इंशाल्लाह बनवा के दे दी जाएगी। मेरी आप सबसे अपील है कि अल्लाह सुबहाना ताला की रज़ा की खातिर आप लोग जो भी हेल्प करना चाहते हैं इस बूढ़े वालिद के लिए इस भाई के लिए जिसकी एक बच्ची है और इस भाई के लिए आप इनका अकाउंट नंबर मेंशन किया गया है मोहम्मद आमिर के नाम से तो आप इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और अल्लाह पाक की रज़ा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप सबको मशकूर हूँगा और स्पेशली अपनी प्यारी वालिदा का मशकूर हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबको और मेरे उन तमाम बहन भाइयों को जो अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए इन लोगों की हेल्प करते हैं अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत अजर व सवाब अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।